आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में फिर से जनता को यह आश्वासन दिया है कि देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोएगा और सबके पास रहने को घर होगा। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए और अब कुछ चटपटी खबरें। दिलफेंक मशहूर आशिक मिस्टर देव करण सिंह, जिनका नामचीन खूबसूरत हस्तियों से जोड़ा गया है, जैसे कि सुष्मिता राय, माधुरी टंडन, उर्मिला कपूर वगैरह वगैरह, उन्होंने अब शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर लिया है और वो लड़की है भारत के मशहूर उद्योगपति मिस्टर प्रताप राय सिंघानिया की इकलौती बेटी। और बड़े हर्ष की बात है कि मिस्टर सिंघानिया इस समय हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। लेट्स हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मिस्टर सिंघानिया, क्या वाकई ये सच है कि आप अपनी बेटी की शादी मिस्टर देवकरण सिंह से करने जा रहे हैं? लेकिन मिस्टर सिंघानिया, आप तो उसकी हरकतों से वाकिफ हैं। ये सब पुरानी बातें हैं, आज देव बदल गया है क्योंकि वो मेरा दामाद बनने वाला है। मेरा इस वक्त भी वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल डील फाइनल कर रहा है। कहाँ? सिंगापुर। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं, देखकर हम तुझे एक शोक गजल कहते हैं। उफ, ये संगे मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले तुझे ताज महल कहते हैं। देव, मेरे बाप मेरे दादा, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि प्लेन का आधे दिन का सफर छोड़ के आप 10 दिन के शिप के सफर पे क्यों जा रहे हैं? मेरी मर्जी। अरे देव, देव, अब तेरी मर्जी और तेरी मनमानी करने के दिन गए। घर और गाड़ी के साथ साथ ये कपड़े जो तूने पहने ना, वो भी गिरवी है, बैंक बैलेंस 0 है और तेरा रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ है। बाय देव, सुधर जा, अब ये सारे लफड़े बंद कर दे, सिंगानिया की बेटी के साथ शादी कर ले चुपचाप। अरे माला माल हो जाएगा। अरे मैं तेरे से बात कर दूं, वहां क्या दिख रहा है? ये लफड़े सब बंद कर दे प्लीज, वरना कर्जदार हमारी बोटी बोटी नोच लेंगे। ये शिप को मार गोली, प्लेन पकड़ और सीधा जा बंबई। अरे वहाँ लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। नट्टू यार, मैंने कब कहा कि मैं सिंघानिया की बेटी से शादी नहीं करूंगा? थैंक यू। लेकिन शादी करने से पहले मुझे दादी माँ का आशीर्वाद लेना है, और जिस आइलैंड पर दादी माँ रहती है वहाँ कोई प्लेन नहीं जाता, सिर्फ ये शिप जाती। मैं जानता हूँ, लेकिन वहाँ पे एयरपोर्ट पे बाप बेटी खड़े होंगे वरमाला लेके तेरा इंतजार करते हुए। रात को पार्टी है, वो सबका क्या जवाब दूंगा मैं उनको? अरे उनको कह देना कि मैं देव। Oh hi, how are you my darling? How are you? देव, तुम तो मुझे भूल ही गए। ओह, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ माइंड ब्लोइंग मीना। मेरा नाम मीना नहीं, दीपा है। ओह यस, दीपा, दीपा, दीपा शर्मा। दीपा शर्मा नहीं, दीपा मेहता। ओह हो, शर्मा हो या मेहता, you're fire baby, you're fire। और इस वक्त मैं जलने के मूड में हूँ, come on, burn me। सामान रख दिया मैम, गुड डे। थैंक यू वेरी मच, बहुत गर्मी है। हाय, आई मिस लवलीना, डिनर पर आऊंगी, ब्रेकफास्ट पर जाऊंगी, और अगर जिद करोगे तो लंच पर भी रुक जाऊंगी, और शाम की चाय मेरे साथ पीजिएगा, बड़ा मजा आ जाएगा। Shut up you old man, I'm not talking to you। देव, कहो ना, please। देखिए, दरअसल आज मेरा एकादशी का उपवास है,
इसलिए मैं आज कुछ खा भी नहीं सकता हूँ। लवलीना बहन, बहन, how mean! तो अपना चाय का प्रोग्राम फिक्स। You old man! आहा, good, very good. सामान कहाँ रख दूँ सर? यहीं रख दीजिए। जी सर। क्या नाम है आपका? रुपेश घायल। ओहो, घायल साहब ये लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। मर गए यार। ओहो, लगता है शिकार आसपास ही है। गुड मॉर्निंग मैडम, मुझे नहीं मालूम था कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को ये सुविधाएं भी दी जाती हैं। बाय द वे माय नेम इज देव करण सिंह, लेकिन आप प्यार से मुझे देव कह सकें। अरे आप देव हो या महादेव, मेरे कैबिन में क्या करें? गेट आउट फ्रॉम माय कैबिन राइट नाउ। एक मिनट, किसी ने आपसे कहा है कि आपकी आंखें बेहद खूबसूरत हैं? हेलो हेलो सिक्योरिटी, आप फौरन यहां चले आइए, मेरे रूम में एक बदमाश घुस आया है, फौरन तुरंत। ये क्या कर रहे हो? आगे मत बढ़ो, मैं चला गया। ये जैकेट पहन लीजिए मैडम, कहीं सिक्योरिटी वालों के सामने आपका तौलिया खिसक गया तो वो बेचारे अपनी ड्यूटी भूल जाएंगे, और कसम खुदा की खुशी के मारे मेरी तो जान ही निकल जाएगी। कम राइट इन। कहाँ है बदमाश, कहाँ है चोर, वेयर इज ही, टेल मी। ओ, चादर में चोर। हाँ, मैडम चलिए बाहर निकलिए। इजिट, इसे बाहर निकालो, ये मेरा कैबिन है। जी नहीं, ये कैबिन मेरा है। ये मेरा कैबिन है। एक मिनट, डिसाइड मैं करूंगा कैबिन किसका है। ओके, टिकट प्लीज। क्या आप दोनों में से देवकरण सिंह कौन है? जी मैं हूँ। तो ये कैबिन आपका। मैडम चादर रखिए, सामान उठाइए, आप अपने कैबिन में तशरीफ ले जाइए, क्योंकि आपका कैबिन 21B सेकंड फ्लोर पे है। I'm sorry. पोस्टल एड्रेस गलत है, माफी इनसे मांगिए, समझी? हाँ। देखिए मिस्टर, मुझसे गलती है। नहीं नहीं, ये सब की जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहें तो इसी कमरे में रह सकती हैं आप। Oh really? Thank you very much. No no, not at all. It's my pleasure. आप वहाँ बेड पे सो जाइएगा और मैं यहाँ सोफे पे काम चला लूंगा। What? क्या मतलब है आपका? मैं बेड पे और आप सोफे पे? तो चलिए हम दोनों ही सोफे पर। मत लगाओ मुझे, you rascal! अरे जाने मन, जाते जाते अपना नाम तो बताते जा। साला आपने आपको समझता क्या है? चलो मामला तो जम गया है, देव ने अपना चक्कर चला लिया है। तितली को तो देखो कैसी कमाल की है। ए बहू, पहचाना क्या? मैं पोपट की माँ, एक ड्रिंक लोगी क्या? पहली बात, मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ, और दूसरी, मैं शराब नहीं पीती, मोटी कहीं की। गुड मॉर्निंग एंड व्हाट ए गुड मॉर्निंग। हे मिस्टर, ये लिफ्ट कैसे रुक गई? मुरलीधर अंकल, मुरलीधर अंकल, इस जहाज के लिफ्टमैन? इस जहाज के नहीं, सारे जहां के लिफ्टमैन, जिनके इशारों पर सारी दुनिया ऊपर नीचे चलती है, और वही मुरलीधर किशन कन्हैया हमें बार बार एक दूसरे के करीब ला रहा है, ताकि हम एक दूसरे को जाने पहचाने, पर इतना ही नहीं, एक दूसरे में खो भी जाए। Don't touch me! मैं आपको अच्छी तरह से जानती भी हूँ और पहचानती भी हूँ। मिस अनीता सिंघाने जैसी अमीर लड़की को फांसने वाले पेशेवर धोखेबाज हैं आप। धोखेबाज तो आप हैं, जिसकी जुबान पे कुछ है और मन में कुछ और। अरे आपकी आंखों में क्या है? ओहो, ये तो प्यार का नशा है प्रिया, और अब ये नशा तुम्हारी आंखों से तुम्हारे दिमाग में चढ़ जाएगा, और तुम्हारे दिमाग से होते हुए
तुम्हारे लहू में उतर जाएगा और तुम्हारे लहू के जरिए पूरे जिस्म में फैल जाएगा, रोम रोम में समा जाएगा। मान लो प्रिया, मान लो अपने मन की बात, खो जाओ उस नशे में, खो जाओ उस नशे में, खो जाओ प्रिया, खो जाओ उस नशे में। मेरा मन कर रहा है तुम्हारा खून करके पासी पे चढ़ जाऊं। यू ब्लडी अरे क्या कर रही हैं आप? This is your table, ma'am. Please be seated. Thank you. तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे। तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे और प्यासे तेरी जुल्फों से घटा मांगेंगे। अपने कांधे से दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। वाह 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 वाह, क्या शेर! मैं तुम जैसे शराबियों के मुंह नहीं लगती। अरे उस शराबी को ऐ खुदा मौत आ जाए जो छोड़ के तुझे पैमाना मुंह को लगाए। क्या बात है! ये क्या क्या तुमने? बेवकूफ, हटो, हटो। I'm sorry मैडम, मैं हाथ मत लगा मुझे। जंगली जानवर, तुम समझते क्या अपने आप को? आज तक तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सुना था, मगर तुम्हारी घटिया हरकतों से मुझे यकीन हो गया है कि तुम अव्वल नंबर की लोफर, बदमाश और ओछी किस्म के इंसान हो, जिसकी ना तो कोई अपनी इज्जत है और ना किसी की इज्जत करना जानता है। मुझे तुम्हारे शक्ल से भी नफरत है। I hate this side of you. माफ कर दीजिए प्लीज। कल शाम को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ प्रिया जी। दरअसल वो एक्सक्यूज मी, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, ओके? दरअसल वो माहौल ही कुछ ऐसा था और बस मैं बहक गया, और वो दाल चावल मंचूरियन सब आपके ड्रेस पे, इसलिए मैं आपके लिए ड्रेस लाया। मुझे आपकी इस ड्रेस की कोई जरूरत नहीं, आप मुझे परेशान करना छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए, अगर आप ये ड्रेस ले लेंगी तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। ओके, तो आज शाम को 7 बजे मेरे कमरे में या आपके कमरे में? जी, आज शाम को 7 बजे मेरे कमरे में या आपके कमरे में? आज शाम को 7 बजे मेरे कमरे में। तो समझ लीजिए बंदा हाजिर हो गया। गुड इवनिंग। लुक, दैट्स देव। स्टॉप इट, लेट्स गो, कम। हाय। हाय। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं, देखकर हम तुझे एक शोख गजल कहते हैं। उफ, ये संगे मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले तुझे ताज महल कहते हैं। शेर तो आपने बहुत खूब पढ़ा। आदाब। लगता है काफी लड़कियों को सुना चुके हैं आप, और इससे आपको काफी सफलता भी मिली होगी, नहीं? अरे क्या बात कर रही हैं आप, अभी इसी वक्त आपको देखकर ये शेर मुझे सूझा है। ओह, आपकी कसम। लगता है बहुत जल्दी में है आप। क्या करूं प्रिया, जहाज बड़ी तेजी से चल रहा है और वक्त उससे भी ज्यादा तेजी से गुजर रहा है। हमें एक पल भी गंवाना नहीं चाहिए प्रिया, एक पल भी गंवाना नहीं चाहिए। आओ एक दूसरे में खो जाते हैं।
बड़े भैया? पिताजी? नहीं। ताऊ जी? बिल्कुल नहीं, मेरे होने वाले पति जी। जिंदा है? जिंदा भी और तंदुरुस्त भी। और अगर उन्होंने आपको इस हालत में देख लिया ना, तो आपकी सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। हैं? हैं। अच्छा। माफ कीजिएगा, जोड़ी को जमी नहीं। खैर, ये मेरी अपनी राय। अपनी राय अपने पास ही रखिए, क्योंकि सब लोगों का कहना है हमारी जोड़ी खूब जमती है। आई बात समझ में? बात तो करीब करीब समझ में आ गई है। लेकिन एक बात बताइए, आपने कभी कोई बेईमानी की है? मेरा मतलब है छोटी मोटी सी गलती, 3-4 दिनों वाली, 3-4 घंटों वाली? नहीं, ना कभी कोई गलती की है और ना ही करने का इरादा है। अच्छा, टिपिकल इंडियन वुमन जी। हा? क्या कहा आपने? नहीं नहीं, मैं तो ये कहने जा रहा था कि आप जैसी आदर्श भारतीय नारी से मिलकर बड़ी खुशी हुई। शुभ रात्रि, जय हिंद। अरे अरे, अब चले कहाँ, हम तो पूरी शाम साथ गुजारने वाले थे। हाँ, इरादा तो ऐसी था, लेकिन अचानक मुझे मेरी माँ की याद आ गई और मैं उनकी तस्वीर के सामने बैठकर रोना चाहता हूँ। माँ याद आ गई या नानी याद आ गई? क्या कहा आपने? हाँ, मैंने कहा सो सैड। चलिए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे, हर मेजबान का फर्ज होता है कि मेहमान को दरवाजे तक छोड़ाए। चलिए ना, आइए ना, आइए आइए। ओके, गुड नाइट, स्लीप टाइट। खामोखा नो एंट्री में घुस गया। चल देव, यू टर्न मार। यहां दाल नहीं गलने वाली। चोट लगी? आपकी छोटी सी ईगो को ठेस पहुंची, मिस्टर देव करण सिंह? अरे नहीं नहीं, बल्कि मजा आया। पहली बार अपनी टक्कर का मिला है कोई। एक बात कहूं? कम से कम हम दोस्त तो बन सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब है नो हैंकी पैंकी, नो लफड़ा, सिर्फ 100% शुद्ध दोस्ती। शुद्ध दोस्ती? हसीनों की कसम। मंजूर? मंजूर। तो बहुत जोर से भूख लगी है, खाना खिलाओगे? Why not? My pleasure. Interesting, very interesting. देव, जिस तरह से तुम औरतों के बारे में बात करते हो, तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई खास इज्जत नहीं होगी? गलत, बिल्कुल गलत। यकीन मानो, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं तो उन्हें यहाँ यहाँ ऊपर रखता हूँ। मतलब हवा में लटका कर? नहीं नहीं, ऊपर सिंहासन पर। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे मैं उन्हें करीब से जानने लगता हूँ, सिंहासन धीरे धीरे नीचे आने लगता है। हाँ, फिर डोलने लगता है, डगमगाने लगता है और गिर के चकनाचूर हो जाता है, नहीं? बिल्कुल सही। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी ऐसी हरकतों से किसी का दिल टूट सकता है? हाँ, कई दिल टूटे भी हैं, अब क्या किया जाए। तुमने मुझे दोस्त कहा है ना देव, तो दोस्ती के नाते एक बात कहूं, तुम लोगों का विश्वास जीतते हो और उसे तोड़ देते हो। विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना उससे भी आसान है, मगर मुश्किल है उस विश्वास को निभाना। और सच्चा इंसान वो है जो उस विश्वास को तोड़े नहीं बल्कि निभाए। तुम्हें नहीं लगता? एक्सक्यूज मी सर, मे आई रिपीट योर ड्रिंक? नो थैंक यू। ओके। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया देव। मेरे बारे में बहुत बातचीत हो गई, कुछ अपने बारे में बताओ। मेरे बारे में कल बात करेंगे। अरे कल क्यों, अभी तो पूरी शाम पड़ी है। कल का पूरा दिन भी पड़ा है। गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रात कैसी गुजरी? अच्छी, तुमने परेशान करना जो बंद कर दिया। जी क्या कुछ कहा तुमने? नहीं तो, लेकिन आप कुछ कहने वाली थी अपने बारे में। वैसे तुम्हारी तरह दिलचस्प नहीं है मेरी कहानी। खैर, मैं 2 साल की थी जब मम्मी डैडी एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। मैं पुणे के एक अनाथाश्रम में पली और बड़ी होकर वहीं के बच्चों को नृत्य संगीत सिखाने लगी। एक दिन हमारे यहाँ एक चैरिटी प्रोग्राम में वो चीफ गेस्ट बन के आए। वो कौन? वो फोटो वाले भाई साहब? हाँ, हमारा प्रोग्राम देखने के बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा। क्या, पहली मुलाकात में? बॉम्बे में संगीत अकेडमी खोलने का प्रस्ताव। अच्छा। और वो मैंने कबूल किया। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने वो भी कबूल किया। बस देव, मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने एक खुली किताब है। अरे, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही पन्ना है। हाँ देव, मेरी किताब में सिर्फ यही पन्ना है। स्टैच्यू, स्माइल, स्माइल। इसे रोको ना। थैंक यू। हाय ब्लैक ब्यूटी। हाय। तुम्हारा कैमरा बड़ा अच्छा है। अरे इंपोर्टेड है, मेड इन सिंगापुर, $500 का है, बहुत अच्छी फोटो खींचा। क्या फोटो खींचा, क्या जरा दिखा ना। हां देखो 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 देखो। वाओ, अच्छा ये कुत्ता कैसे? आ देखो, या 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 देखो। हां देखो देखो। और रोल तो एकदम मिसले निकल जाता है। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। है ना? नहीं है। तुमने मेरा रोल फेंक दिया। कैमरा भी फेंक देना चाहिए था। नहीं 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 नहीं। मैं जानता हूँ तुमने मेरा कैमरा क्यों फेंक दिया, ताकि लोगों को पता ना चले कि तुम दोनों यहाँ पर छुप छुप के रंगरेलियाँ मना रहे हो। लेकिन लेकिन मैं सबको बता दूंगा तुम दोनों की 4 दिन की चांदनी का चक्कर। हाँ, देख लेना। अबे वो अमावस के चांद। आगे मत बढ़ना, मारा नहीं। चल, 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 छोड़ूंगा नहीं, बदनाम कर दूंगा सारी दुनिया को, बता दूंगा मैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो प्रिया? तुम्हारे साथ देखे जाने का अंजाम देख लिया मैंने। अरे प्रिया, लेकिन हम तो सिर्फ दोस्त हैं। मिस्टर देव, शराब खाने में तुम दूध का ग्लास लेके भी बैठो ना तो दुनिया सोचे कि तुम शराब पी रहे हो। इसलिए मैं जाती हूँ मेरे रास्ते और तुम जाओ तुम्हारे रास्ते। लेकिन प्रिया। देव प्लीज। चल देव अपने रास्ते। वाह, मिल गया रास्ता। हाय हाय, आपको देखकर अभी अभी एक शेर सो जाए मैडम। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं, देखकर हम तुझे एक शो गजल कहते हैं। उफ, ये संगे मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले तुझे ताज महल कहते हैं। फायदे मुझे देव करण सिंह कहते हैं। आई नो दैट। वैसे आप शाम को क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। वेरी गुड, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, वो क्या है? Hi Dev. Hi beautiful. How are you? Kamini, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाद भगवान ने खूबसूरत लड़कियां बनाना ही बंद कर दिया। Thank you. My God, how I missed you. अरे रे 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 रे, अब तो दूर से ही दर्शन करने पड़ रहे हैं। और अब तो वो मुवा उस कामिनी कामिनी नाम के मैना के साथ कह कह कर रहा है। कैसा सपनों का घोंसला सजा के रखा था मेरे पोपट ने। आ पोपट की माँ, जिसमें मैं तुम्हारी बहू और हमारे 3-4 छोटे छोटे पोपट खुशी खुशी रहते, लेकिन ये जन्म जली इस पोपट को छोड़ के उस कौवे के साथ चली गई। हाँ, और वो कौवा इसे चोंच मार कर हो गया फुर्र। स्टॉप इट, आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं? देखिए मेरे और देव के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप समझ रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो ठुकराए जाने के बाद हर लड़की यही कहती है। स्टॉप इट, आप लोगों को यकीन नहीं होता ना, मैं अभी साबित कर देती हूँ। हाँ हाँ, करो करो ना। देव, देव एक मिनट नीचे आओ प्लीज। अभी नहीं सुख, मैं जरा बिजी हूँ। हाँ तो देव मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है प्लीज। मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ। हम लोग रेस्टोरेंट चले। हाँ, okay. Come on, let's go. देव नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, अब वो शाना कौवा तेरी गुटरगू नहीं सुनेगा। अब तो दरिया में डूबकर जान देने के अलावा और कोई चारा नहीं है बेचारी के पास। अरे जान देने के दुश्मन,
मैं अपनाऊंगा इसे। हाँ बहू, ये 125 रुपया ले और मेरे पोपट का हाथ पकड़ ले। अरे पकड़ ले, नहीं तो ये भी हाथ से चला जाएगा। बेचारी अकेली अकेली खाना खा रही है। प्रिया, हाय। अरे प्रिया, प्रिया, अरे प्रिया बात तो सुनो। अरे तुम तो मुझे देखकर ऐसे भाग रही हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। तुम भूत से भी बदतर हो। तुम आफत हो आफत। और मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। तुम्हें मालूम है तुम्हारे कारण मेरा कैबिन से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है? लोग मेरे बारे में कैसे गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। अरे लोगों की बात छोड़ो और मेरी बात सुनो। आओ बैठो यहाँ पे, बैठो। अरे दो कॉफी लाना। यस सर। देखो कल सुबह जहाज एक खूबसूरत आइलैंड पे रुक रहा है जहाँ बहते हुए झरने हैं, महकती हुई वादियां हैं और दिलकश नजारे हैं। तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ वहां चलूं? नहीं। अरे तुम्हारी बात कौन कर रहा है, मैं तो कामिनी को वहां ले जाना चाह रहा हूँ। तो ले जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? मेरी इजाजत चाहिए तुम्हें? डार्लिंग तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। वो कामिनी के कमबख्श छोटे भाई ने उसकी अम्मा के सामने सारा पोल खोल दिया है। ये भगवान बच्चे पैदा क्यों करता है, सीधे बड़े क्यों नहीं भेज देता? खैर अब उसकी अम्मा ने उसका अकेले आना जाना बंद कर दिया। तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें उसकी अम्मा को पटा कर उसे कल सुबह आइलैंड पर लाना है। तो तुम चाहते तुम्हारी इस घिनौनी हरकत में मैं तुम्हारा साथ दूं? हाँ। I'm sorry। अरे प्रिया, देखो प्रिया ना मत करना, आखिर एक दोस्त ही दोस्त के काम आ सकता है। दोस्त दफा हो जाओ। प्लीज प्रिया। क्या करें, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। देव सब दिख रहे हैं। देखने दो। देव मैं पहले बदनाम हो चुकी हूँ, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी अपनी दोस्ती की कसम नहीं छोड़ूंगा। हाँ करती हूँ। हाँ, अब छोड़ो मुझे। पहले अपने वो फोटो वाले भाई साहब की कसम खाओ। फोटो वाले भाई साहब की कसम, छोड़ मुझे। हाँ, थैंक यू, यू आर सो स्वीट। कल 10 बजे ओरिएंटल बाजार, ओके? और सुनो, लेट मत होना। कामिनी, मुझे तो लगा हम लोग कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तुम जानती हो तुम्हारी याद में मैं रात भर सो नहीं पाया। Oh, I also missed you so much, sweetheart. Did you, baby? Oh, honey, you're so sweet. I love you, baby. Oh, Priya, thank you for, you know what? देखो देव, हमें ठीक 6 बजे शिप पे पहुंचना है। हाँ तो ठीक है, 6:45 बजे हम लोग यहीं मिलेंगे। हाँ? Okay? चलो काम। चलो। देव, तुम लोग मुझे छोड़ के जा रहे हो अकेला? और नहीं तो क्या तुम? हाँ? एक मिनट, इधर आओ। क्या कर रही हो प्रिया, क्यों कबाब में हड्डी बनना चाह रही हो? लेकिन देव, मैं यहाँ दिन भर अकेले क्या करूंगी? अब तुम वो देखो, वहाँ सामने बुद्ध भगवान का एक मंदिर है और वहाँ काफी सारी धार्मिक किताबें हैं, उन्हें बैठकर पढ़ो, वक्त यूं गुजर जाएगा। ओके बाय। कुछ कहा तुमने? नहीं। लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। यू आर अ डार्लिंग, यू आर अ स्वीट हार्ट, यू आर सिंपली सुपर्ब and a true friend. Okay, फिर शाम को मिलते हैं। Come on, darling. चल। You're a darling. You're a sweetheart. You're simply superb.